यूपी के बाद अब बिहार में कुछ असामाजिक तत्वों ने मुहर्रम के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मामला बिहार के नवादा जिले का है, जहां मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बीते रविवार को चादर पोशी को लेकर जुलूस निकाला गया था। इस दौरान कुछ लड़कों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। वीडियो सामने आते ही नवादा के एसपी ने एक्शन भी ले लिया। इस मामले में 3 लड़कों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल दिनांक 15/7/2024 को हमौत थाना अंतर्गत संध्या 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धमौल बाजार में बिना लाइसेंस का एक छोटा सा जुलूस निकला है, जिसमें अन्य राष्ट्र के झंडे को दिखलाया गया तथा छन SDPO पकड़ी परामा के नेतृत्व में सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा देर रात्रि तक मेहनत करते हुए परिप झंडा को बरामद कर लिया गया है एवं 3 लोगों को निरुद्ध किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावे अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर झंडा लहराए जाने के बाद स्थानीय पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीती रात को एक घर से उस झंडे को भी बरामद कर लिया है। नवादा SP अमरीश राहुल ने मामले में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कार्रवाई की बात कही है। SP कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रविवार की शाम 7 बजे सूचना मिली कि नवादा जिले के धमौल थाना क्षेत्र के धमौल शहर में बिना लाइसेंस के एक छोटा जुलूस निकाला गया है, जिसमें अन्य राष्ट्र के झंडे दिखाए गए हैं। वायरल वीडियो की जांच की गई है।